नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। लंबे और सुंदर नाखून कौन नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लापरवाही की वजह से हमारे नाखून भी बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो नाखून कई तरीके से बता सकते हैं कि हमारी सेहत कितनी अच्छी है और कितनी नहीं। दूसरी तरफ नाखूनों पर लगा संक्रमण भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये संक्रमण किसी भी रूप में आ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं नाखूनों के अंदर की तरफ बढ़ना, ये भी एक प्रकार का संक्रमण है जो लापरवाही की वजह से और खतरनाक रूप ले सकता है। नाखूनों का अंदर की तरफ बढ़ना एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से दर्द, सूजन, लालिमा जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। ये समस्या खासतौर पर अंगूठे में देखी गई है। इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो घर पर रहकर सही देखभाल की समस्या को दूर किया जा सकता है, तो वही डॉक्टर्स की मदद से भी आप समस्या से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि नाखून अंदर की ओर बढ़ने के क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण हैं और इसका इलाज भी जानेंगे। तो जानिए सबसे पहले नाखून के अंदर की तरफ बढ़ने के लक्षण। नाखूनों के अंदर के बढ़ने के लक्षण बहुत से हैं, जैसे नाखून के आसपास सूजन आ जाना, नाखून के आसपास के उत्तकों के संक्रमण का फैलना, नाखून के आसपास लालिमा का छा जाना, नाखूनों के छूने पर दर्द महसूस करना। नाखून के अंदर की तरफ बढ़ने की वजह क्या है इसके बारे में जाने तो नाखूनों के अंदर की तरफ बढ़ने के बहुत से कारण हैं। नाखूनों पर चोट लगने की वजह से नाखून अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगला, नाखूनों का आकार अगर ठीक नहीं है तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। जो लोग नाखूनों को सही से सफाई नहीं करते उनके नाखून अंदर की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों का नाखून असामान्य रूप से मुड़ा हुआ होता है उन्हें भी ये समस्या देखी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे जूते पहनते हैं जिससे नाखून को नुकसान पहुंचता है और ये समस्या नजर आती है। जो लोग नाखूनों को जड़ों तक यानी बहुत छोटा काटते हैं उनके नाखून भी अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बात करेंगे नाखून अंदर की ओर बढ़ने का उपचार और इलाज। नाखून के अंदर बढ़ने की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है तो ऐसे में इसका इलाज घर पर भी किया जा सकता है। अगर आप गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक नाखूनों को भिगोए और ऐसे आप प्रतिदिन दिन में 3 से 4 बार करें तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। अगर आप दर्द से परेशान हैं तो इसके लिए आप एसिटामिनोफिन जैसी दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह पर कर सकते हैं। अगर आपके नाखून संक्रमित हैं तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक पॉलीमैक्सिन स्टेरॉयड क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे होता है इसका इलाज इस पे जाने तो जहां समस्या बढ़ जाती है तो डॉक्टर दो तरीके के माध्यम से नाखूनों का इलाज करते हैं। तो ये है उनके तरीके। औजारों के माध्यम से नाखून को उठाना। अगर आप नाखून अंदर की तरफ कम बड़ा हो तो डॉक्टर इस स्थिति में औजार के माध्यम से नाखून को उठाने की कोशिश करते हैं। वो कभी कभी इसके लिए रुई, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से नाखून को सही तरीके से बढ़ने में मदद मिलती है। अब नाखून को निकालना। जो नाखून इस समस्या से प्रभावित है, ज्यादा गंभीर स्थिति में है, साथ ही उसमें मवाद, दर्द, लालिमा नजर आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर खराब नाखून को काट कर निकाल देते हैं। इसके अलावा कई बार डॉक्टर सर्जरी की सलाह भी देते हैं। इस प्रक्रिया को वो वे पार्शियल नेल रिमूवर का नाम देते हैं। इस प्रक्रिया में स्किन के अंदर जो नाखून घुसा हुआ होता है उसको निकाला जाता है और इस प्रक्रिया में डॉक्टर उंगली को सुन कर देते हैं और नाखून को प्रभावित हिस्से को काट कर उसे कटे हुए हिस्से को सीधा कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।